नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले भारतीय लोकोमोटिव का इतिहास। तो दोस्तों, मैं हूं और आप देख रहे हो रेलवे 2.2। तो चलिए भारतीय लोकोमोटिव का इतिहास जानते हैं। आजादी के समय भारत में 99% यानी कि 99% लोकोमोटिव भाप के साथ थे, यानी कि स्टीम इंजन के साथ। आजादी के समय हमने भाप में निवेश जारी रखने का निर्णय लिया, क्योंकि कोयला सस्ता था और व्यापक रूप से उपलब्ध था। विकल्प बिजली और डीजल जो तकनीकी रूप से काफी बेहतर थे, महंगे थे और इसके लिए बहुत अधिक निवेश धन और तकनीकी जानकारी की आवश्यकता थी, जो हमारे पास नहीं था। 1853 के बाद से भारत एकमात्र बिजली के साथ भाप शक्ति पर चलता था। स्वतंत्रता के समय भारत के लोकोमोटिव की भारी कमी का सामना करना पड़ा था और लोकोमोटिव में आत्मनिर्भर बनने के लिए चितरंजन लोकोमोटिव वर्क CLW की स्थापना 1949 में ही की गई थी, ताकि भारत अपने स्वयं के लोकोमोटिव का उत्पादन कर सके। CLW पहले भाप इंजन, फिर डीजल इंजन और आज केवल बिजली के उत्पादन करता है। और वाराणसी के डीजल लोकोमोटिव वर्क जो कि DLW की स्थापना 1963 में हुई थी, यानी 1963 में की गई थी। और अब CLW की बदौलत भारतीय रेलवे काफ़ी तेजी से इंजनों के मामले में आत्मनिर्भर बन गई है। हमने विदेशी निर्माताओं से प्रौद्योगिकी और डिज़ाइन खरीदने और फिर उन्हें भारतीय परिचालन के लिए सबसे उपयुक्त बनाने का आसान रास्ता अपनाया। पहले कुछ लोकोमोटिव के शुरू में प्रौद्योगिक हस्तांतरण के साथ आयात किया गया था और फिर भारत में बड़े पैमाने पर उत्पादित किया गया था, जिन्हें बाद में अधिक बिजली आदि का उत्पादन करने के लिए आंतरिक रूप से संशोधित किया गया था, जबकि लुक वही रहा। सही लोकोमोटिव खोजने के इस परीक्षण और त्रुटि प्रक्रिया के कारण ही हमारे पास इतने सारे लोको वर्ग और वेरिएंट है, जिनमें से कई में उत्पादित इकाइयों की संख्या बहुत कम है। भारतीय रेलवे के कुल 100 या उससे अधिक लोकोमोटिव प्रकार में से केवल लगभग 20 प्रकारों में 100 से अधिक संख्या में उत्पादन होता है और 20 लोको मॉडल में 10 से कम इकाई मौजूद होती है। भारत में सबसे सफल लोकोमोटिव WP और WG क्लास, RG स्टीम, WDM2, WDG3A, WDP4 और WDG4, BG डीजल, YDM4, MG डीजल, WCAM2, BG ड्यूअल इलेक्ट्रिक और WAM4, WAG5, WAP4, WAP5, WAP7, WDG9, BGSE इलेक्ट्रिक्स और WDS4B और WDS6, BG डीजल शंटर्स। और निश्चित रूप से भारतीय लोकोमोटिव के बारे में कोई भी चर्चा फेरी क्वीन के उल्लेख के बिना पूरी नहीं होगी, जो दुनिया का सबसे पुराना कामकाजी भाप लोकोमोटिव है।